45 इंच की एलसीडी पुरानी देने और वारंटी के बावजूद तब्दील ना करने का मामला। इलेक्ट्रॉनिक शॉप हॉल रोड के मालिक के खिलाफ 5,48,000 हर्जाने का दावा दायर कर दिया गया। शाहीन अतीक हमारे साथ होंगे, इस हवाले से मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी शाहीन अतीक, एलईडी 45 इंच की नाकस देने और सर्विस वारंटी के बावजूद उसको वापस ना करने पर डानी इलेक्ट्रॉनिक हॉल रोड के मालिक के ख़िलाफ़ 5,48,000 रुपया हर्जाने का दावा सारिफ अदालत में दायर किया गया है। ये दावा पीको रोड के मोहम्मद शहजाद की तरफ से दायर किया गया, जिसमें उन्होंने ये मौक़ अख्तियार किया कि मैंने 43 इंच की जो एलईडी ख़रीदी, लेकिन जब इसको इस्तेमाल किया तो मालूम हुआ कि उसकी बॉडी जो है वो नहीं है, लेकिन अंदर जो मटीरियल लगाया गया है वो नाकस है। फौरी तौर पर जाकर दुकानदार से शिकायत की और उसको तब्दील करने के लिए कहा, तो उसने सुनने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जो रकम मैंने दे रखी थी वो वापस ना आई और मुझे ज़हनी अज़ियत का सामना करना पड़ा। अदालत में ये दावा दायर हुआ, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को इब्तदाई बहस के लिए नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। अब वकील की बहस के बाद अदालत फैसला करेगी कि जो शॉप का मालिक है उसको तलब किया जाए या दावे को खारिज किया जाए। जी बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक।